नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी का वीडियो है। ओके, मैं बता दूँ, यह आईपीसी के सेकेंड सेशन का थर्ड वीडियो है। सेकेंड सेशन में आपको धारा 76 से लेकर 106 तक का 150 से अधिक MCQ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा, जिसका यह थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में आपका क्वेश्चन 41 से लेकर क्वेश्चन 60 तक कवर कराया जाएगा। इसमें धारा आपको 81 और 82 से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट MCQ कराया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा 81 के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, यानी पूछे रहा है कि आईपीसी के धारा 81 का कौन है जो आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए, यदि कार्य हानि करने के आपराधिक आशय से नहीं किया गया है। ऑप्शन बी, यदि कार्य सद्भाव में किया गया है। ऑप्शन सी, यदि कार्य बड़ी हानि को रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया है। ऑप्शन डी, यदि कार्य व्यक्ति या संपत्ति को दूसरी हानि से रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया है। ओके, मैं आपको बता दूँ आईपीसी की धारा 81 का कौन है जो आवश्यकता तो नहीं है, जिसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी यदि कार्य व्यक्ति या संपत्ति को दूसरी हानि से रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया हो, या धारा आईपीसी की धारा 81 का आवश्यकता तो नहीं है। यह क्वेश्चन आपको यूपी लोअर 2003 तथा एमपीसी 1993 एंड एमपीएचएस 2010 के प्री में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है, एक विशेष स्थान पर आग लग गई। अ ने इस आग को देखा और आग को फैलने से रोकने के लिए और मानव जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए दूसरे के घर गिरा दिया। इस मामले में क्या हुआ, यानी क्या किया? एक विशिष्ट स्थान पर, यानी एक कोई स्थान पर आग लगाया। ओके, उसके तत्पश्चात अ ने उस आग को देखा और आग को फैलने से रोकने के लिए क्या किया, जिससे मानव के जीवन और संपत्ति को रक्षा किया जा सके, इस हेतु क्या किया गया, दूसरे के घर गिरा दिया। ओके, तो इस मामले में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑरिस्टी के अपराध का दोषी है क्योंकि उसने दूसरे के घर गिराया। ऑप्शन बी, आपराधिक रूप से दायी हुआ किंतु उसे क्षमा कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, और किसी अपराध के लिए दायी नहीं है क्योंकि उसने यह कार्य अन्य व्यक्ति और उनकी संपत्तियों को खतरनाक अपहानी से बचाने के लिए किया है। द ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूँ इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा यहाँ पर, और किसी अपराध के लिए दायी नहीं होगा क्योंकि उसने यह कार्य अन्य व्यक्ति और उनकी संपत्ति को खतरनाक अपहानी से बचाने के लिए किया गया है। ओके, यह क्वेश्चन आपका आईपीसी धारा 81 पे आधारित है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह क्वेश्चन आपको यूपीएफपीओ 2007 में पूछा जा चुका है। इसका व्याख्या के दिन क्या आता है? व्याख्या, उक्त परिस्थिति में अ को आईपीसी धारा 81 का बचाव मिलेगा क्योंकि उसने यह कार्य अन्य व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों को खतरनाक अपहानी से बचाने के लिए किया, अतः अ किसी अपराध के लिए दायी नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 में, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आवश्यकता को प्रतिरक्षा के रूप में अभिवचन नहीं किया जा सकता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, आत्मपरिरक्षा तथा हिंसा का निवारण। ऑप्शन बी, एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाकर भी अभियुक्त को होने वाली हानि का निवारण। ओके, ऑप्शन सी, आत्मपरीक्षण एक अत्यंतिक आवश्यकता है। ऑप्शन डी, अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कोई बुराई का चुना। यह क्वेश्चन आपको यूपीएफपीओ 2007 में पूछा जा चुका है। मैं आपको फिर से बता दूं, आईपीसी धारा 81 के अंतर्गत जो आवश्यकता है वो प्रतिरक्षा के रूप में विवेचन नहीं किया जाता। तो कैसे, तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्मपरीक्षण एक अत्यंतिक आवश्यक है। कैसे, चलिए व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। आत्मपरीक्षण एक अत्यंतिक आवश्यक है का अभिवचन आईपीसी धारा 81 के अपवाद का लाभ उठाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्मपरीक्षण एक अत्यंतिक आवश्यक है, उसका लाभ उठाने के लिए नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, डीपीपी बनाम बीएड का मामला। ऑप्शन बी, आर बनाम डेडले एंड स्टीफन का मामला। ऑप्शन नंबर सी, आर बनाम
लिप मैन का मामला, ऑप्शन डी मैकनाटन का मामला। ओके, कौन सा वाद्य जो आवश्यकता के आधार से प्रतिरक्षा से संबंधित है। ओके, मैं आपको बता दूं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बन आर बनाम डेडलैन स्टीफन का जो वाद है, या आईपीसी की धारा 81 यानी आवश्यकता के आधार के प्रतिरक्षा से संबंधित है। ओके, सब अन्य वाद इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कहां कहां पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है उत्तराखंड पीसीएस जे 2015 तथा यूपी पीसीएस 1997 2002 2005 2007 2010 यानी यूपी आयोग का पीसीएस आयोग का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुकी है, बार बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, यानी नीचे जो चार वाद दिया गया है इसमें से कोई एक वाद है जो आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो कौन सा वाद है, तो वाद है आर बनाम डेटले एंड स्टीफन का जो वाद है आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए किसी एक की हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती, यह सिद्धांत जिसका भारत में अनुसरण किया जाता है सबसे पहले क्वीन बेंच डिवीजन ने निम्नलिखित मामले में पारित किया था। ओके, एंड क्वीन बेंच ने कौन से मामले में उपरोक्त मत पारित किए थे, ऑप्शन नंबर ए आर बनाम भूरे के बाद में, ऑप्शन नंबर बी आर बनाम डेडलैन स्टीफन के बाद में, ऑप्शन नंबर सी आर बनाम ड्रेविरा के बाद में, ऑप्शन नंबर डी आर बनाम मैक्स फॉर्सन के बाद में। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीपीएस पीसीएस 1998 में। ओके, तो मैं आपको बता दूं तो क्वीन बेंच का वह कौन सा वाद है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आर बनाम डेडलैन स्टीफन का वाद है, जिसमें क्या किया गया था, अनेक व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए किसी एक के हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती, यह सिद्धांत भारत में अनुसरण किया गया था ओके, सबसे पहले यह क्वीन बेंच डिवीजन द्वारा दिया गया था। तो कौन क्वीन बेंच डिवीजन द्वारा दिया गया था, आर बनाम डेडलैन स्टीफन के वाद में दिया गया था। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त सिद्धांत सबसे पहले क्वीन बेंच डिवीजन ने आर बनाम डेडलैन स्टीफन के बाद में प्रतिपादित किया था जो 1884 में निर्णित किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्या है क्वेश्चन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 में आपको मिल जाएगा निम्नलिखित मामले में क को ख के मृत्यु कार्य करने का अधिकार नहीं है, यानी निम्नलिखित कौन से मामले में क को ख के मृत्यु कार्य करने का अधिकार नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए क और ख आपस में लड़ रहे थे। ओके, और को क और ख क्या आपस में लड़ रहे थे और क को खजाना से मार डालने क को क्या गया क को फिर से ऑप्शन नंबर बोलते हैं क और ख आपस में लड़ रहे थे और क को ख जान से मार डालने के लिए उद्यापित था। ओके, ऑप्शन बी क से ख कुछ करने के लिए कहता है जिसे क मना कर देता है, इस पर ख गुस्से में आकर हाथ में चाकू लेकर क को जान से मार डालने की बात करते हुए उस पर झपटता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या है क के साथ ख बलात्संग करना चाहता है, ऑप्शन डी क और ख एक समुद्री जहाज पर है और बहुत दिनों से दोनों भूखे हैं और जीवित रहने का केवल एक ही उपाय है कि उसमें से एक दूसरे को मारकर उसके मांस का भक्षण करें। ओके, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 1997 में। ओके, सॉरी एमपीपीओ के 1997 तथा यूपीपीसीएस 1999 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूँ निम्नलिखित में से कौन सा मामला है जिसमें क को ख के मृत्यु कार्य करने का अधिकार नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस स्थिति में क्या है क को ख के मृत्यु कार्य करने का अधिकार नहीं है, यानी क और ख एक समुद्री जहाज पर है और बहुत दिनों से दोनों भूखे हैं, जीवित रहने का केवल एक उपाय है कि उसने एक दूसरे को मार कर डाले और उसका मांस का भक्षण करें। क्या है सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कैसे, चलिए व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। उक्त परिस्थिति में क को ख की मृत्यु कैद करने का अधिकार नहीं है, जैसा कि आर प्राम डेडलाइन स्टीफन के बाद में अभी निर्धारित किया गया था। आवश्यकता के आधार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु कैद कराना उचित नहीं है भले ही भूख से मृत्यु हो जाए, अतः विकल्प डी मृत्यु के मामले का अधिकार से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से बाद है। बचाव के रूप में पागलपन कौन से बाद में बताया गया था, सामान्य आशय, आवश्यकता, निजी प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा। ओके चलिए देख लेते हैं कौन से बाद कौन से तथ्य से संबंधित हैं। ओके तो मैं आपको बता दूं, बचाव के रूप में पागलपन। ओके बचाव के रूप में पागलपन का वाद है जो आपको संबंधित है, बचाव के रूप में पागलपन का जो वाद है किससे संबंधित है, तो आपको संबंधित है आर बनाम मैक नाटन के वाद से संबंधित हैं। ओके वही आपको सामान्य जो आशय है, सामान्य आशय किससे संबंधित है, सामान्य आशय आपको वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के वाद से संबंधित है। ओके वही आपको आवश्यकता देख लेते हैं, आपको जो आवश्यकता है आवश्यकता किससे संबंधित है, तो आर बनाम डेडलाइन स्टीफन से संबंधित है जो है पी सी 381 से है। एंड नेक्स्ट क्या है, निजी प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा किससे संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर कौन हो गया, बी का सॉरी ए का हो गया 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी। ओके तो चलिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीएस स्पेशल के 2004 में। ओके क्वेश्चन नंबर 47 का इसका व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या कहते हैं क्या आता है, बचाव का पागलपन। ओके यानी क्या होता है परिस्थिति में जो होता है बचाव का जो पागलपन का प्रतिरक्षा है या धारा आपको आईपीसी धारा 84 से संबंधित है। ओके तथा यह वाद किससे है, तो आपको आर बना मैग्नेटन के वाद से संबंधित है। ओके वही जो आपको सामान्य आशय था, सामान्य आशय आपका आईपीसी धारा 34 से संबंधित है। ओके जबकि इस पर कौन सा वाद संबंधित है, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद संबंधित है। वही आवश्यकता, आवश्यकता आईपीसी धारा 81 से संबंधित है। ओके तथा इससे आवश्यकता का प्रतिरक्षा का वाद किससे संबंधित है, आपको तो मैं बता दूं संबंधित है आर बनाम डेडलाइन एंड स्टीफन से। ओके जबकि निजी प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का वाद किससे संबंधित है, ये आपको है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 में अप्रतिरोधे आवेग। ओके अप्रतिरोधे आवेग ओके ऑप्शन नंबर ए का है पागलपन के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी पागलपन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी किसी विशेष परिस्थिति में आता है, ऑप्शन नंबर डी परिणाम पर आधारित परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। ओके मैं आपको बता दूँ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिरोध आवेग क्या होता है, पागलपन के अंतर्गत नहीं आता है। कैसे नहीं आता है, चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। ओके क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका है, अप्रतिरोध आवेग के अंतर्गत करता है जानता है कि वह क्या कर रहा है, वह यह भी जानता है कि उसका कार्य दोषपूर्ण है, किंतु वह इस प्रकार रोगग्रस्त है कि अपराध कारित करने से अपनों के विरुद्ध नहीं कर सकता। अब प्रतिरोध आवेग को भारत में उन्मुक्ति का पर्याप्त आधार नहीं माना गया, अतः इसे पागलपन नहीं माना जा सकता। ओके यानी अप्रतिरोध आवेग वह क्या है, पागलपन के अंतर्गत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ओके कौन से बाद में कौन सी बातें बताई गई थी। ओके तो आर बनाम डेडलाइन स्टीफन में कौन सा बताया गया था, मैग्नाटन का वाद किससे संबंधित है, महबूब साहब बनाम एम्परर एंड डीपीपी बनाम बीएड यानी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड का मामला किससे संबंधित है। चलिए मैं आपको बता दूँ कौन सा बात किससे संबंधित है, आर बनाम डेडलाइन स्टीफन के बाद आपको पता हो चुका होगा, मैं इसको बार बार बता चुका हूँ, आर बनाम डेडलाइन स्टीफन के बाद आवश्यकता का बचाव से संबंधित है, एकदम सही। ओके आर मैग्नाटन का जो वाद है ये किससे संबंधित है, मैग्नाटन का वाद चित्त विकृति से संबंधित है। ओके एंड आपको संबंधित है महबूब साहब बनाम एम्परर का वाद, या महबूब साहब बनाम एम्परर का वाद आपको किससे संबंधित है, तो सामान्य आशय से संबंधित है। ओके वही डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन है डीपीपी बनाम बीएड का मामला वह किससे संबंधित है, तो वह मत्ता से संबंधित है। ओके क्वेश्चन नंबर 49 का मैं आपको ऑप्शन बता दूँ कौन सा होना चाहिए, तो ए का हो गया 3 हो गया, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। ओके इसके अकॉर्डिंग चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, यानी 3, 4, 3, 4, 2, 1। ओके क्या ऑप्शन में 3, 4, 2, 1, तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएसजे 2005 में पूछा जा चुका है। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं।
आर बनाम डेडलाइन स्टीफन के बाद आईपीसी की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ओके, वही मैग्नाटन के बाद आईपीसी की धारा 84 के अंतर्गत चित्तवृत्त पागलपन से संबंधित है। ओके, वही महबूब शाह बनाम एम्परर के बाद आईपीसी की धारा 34 में वर्णित सामान्य आशय से संबंधित है। तथा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियट का मामला आईपीसी की धारा 85 के अंतर्गत मतदाता से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमिलित नहीं है? ओके, जो सही सुमिलित नहीं है उसी को सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए देखता हूँ महबूब शाह बनाम एम्परर सामान्य उद्देश्य से संबंधित है या फिर नहीं। अभी दूसरा क्या है? महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज के बाद दुराशा संबंधित है या फिर नहीं। तीसरा क्या है? डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बी एड डीपीपी बनाम बी एड चिकृत का बचाव इसे संबंधित है अथवा नहीं। तथा पीड़ितनाथ बनाम भारत संघ का मामला या दहेज मृत्यु से संबंधित है अथवा नहीं। नीचे दिए गए कोर्ट की सहायता से क्या करना है? सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। ओके, मैं आपको बता दूँ इसमें कौन कौन से सही हैं। ओके, इसमें आपको सही होना चाहिए महबूब शाह बनाम एम्परर सामान्य आशय से संबंधित है, एकदम सही है। महबूब शाह बनाम एम्परर के बाद आपका आईपीसी की धारा 34 से संबंधित है। ओके, सामान्य आशय 34 के अंतर्गत आ जाता है। तो महबूब शाह बनाम एम्परर के बाद क्या है? सही है। ओके, एंड आपको नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट महाराज बनाम एम एस जॉर्ज के बाद दुराशा नहीं है, इसे संबंधित नहीं है। एंड क्या है? डीपीपी बनाम बियर्ड विकृत चित्ता का बचाव से संबंधित है। ओके, तीसरा हो गया सही। ओके ओके, एंड आपको चौथा है पीड़ितनाथ बनाम भारत संघ का मामला यह क्या है? दहेज हत्या से संबंधित है। ओके, जबकि महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज के पास दुराशा से संबंधित नहीं है। ओके, इसके रिकॉर्डिंग कौन कौन सही होगा? इसके रिकॉर्डिंग सही होगा आपको होगा 1, 3 और 4। ओके, चलिए इसको ऑप्शन नंबर में देखते हैं 1, 3, 4 किसके अंतर्गत आता है। ओके, चलिए आपको देख लेते हैं। आपको होता है 1, 3, 4, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका था यूपी सिविल जज 2016 में पूछा जा चुका था। ओके, चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत प्रश्न में सही सम्मिलित रूप में नहीं रखा गया 1, 3 और 4 है तथा क्योंकि महबूब साहब एम्परर के बाद आईपीसी की धारा 34 में उल्लेखित सामान्य आशय तथा सामान्य आशय के अंतर से संबंधित। ओके, जबकि महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज के बाद किसे? दुराशे से तथा पीड़ितनाथन बनाम भारत संघ का मामला आईपीसी की धारा 309 के बंधित आत्महत्या के प्रयत्न से, जबकि डीपीपी बनाम बीएड के मामला अनैच्छिक महत्ता यानी आईपीसी की धारा 85 से संबंधित है। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या है? कौन सा संयोजन सुमिलित नहीं है? ओके, यानी आपको कौन 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 जो है जो सुमिलित नहीं है? 1, 3 और 4 यानी महबूब शाह बनाम एम्परर जो सामान्य आशय है ये, डीपीपी बनाम बीएड चित्तवृत्ति का बचाव ये, एनएपीपी और चौथा है पीड़ितनाथ बनाम भारत संघ दहेज मृत्यु, या क्या है? सही सुमिलित नहीं है। जबकि सही सुमिलित कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज यानी दुराशा का मामला आपको महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज से संबंधित है। जबकि 3 अन्य जो सुमिलित नहीं है, ओके, सुमिलित नहीं है उसी को बताना था। 1, 3, 4 जो सुमिलित नहीं है, ओके, कौन कौन किसे सुमिलित है मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए फिर से बता देता हूँ आपको। महबूब शाह बनाम एम्परर के बाद आईपीसी का 34 में उल्लेखित है। ओके, जबकि यह क्या है? सामान्य आशय संबंधित न होकर सामान्य आशय तथा समान आशय के अंतर से संबंधित है, करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्या है? महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज क्या है? दुराशे से संबंधित है। ओके, जबकि इसमें क्या बताया गया था? महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज के बाद दुराशे से संबंधित है। ओके, ये भी सही है क्योंकि सही है दूसरा नंबर। ओके, एंड क्या है? पीड़ितनाथन बनाम भारत संघ का मामला यह आईपीसी का 309 से संबंधित है। ओके, 309 क्या है? आत्महत्या के प्रयत्न से संबंधित है। ओके, जबकि क्या है? डीपीपी बनाम बियर्ड अनैच्छिक मत्ता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51 में? क्वेश्चन नंबर 51 के अंतर्गत आ जाता है सूचियों को क्या करना है? सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। ओके, चलिए मैं आपको इसमें बता दूँ। डीपीपी बनाम बियर्ड यानी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का मामला किससे संबंधित है? रेगनर बनाम फगोसा के बाद किससे संबंधित है? आर बनाम वाकर के बाद किससे संबंधित है? तथा एम्परर बनाम उमी के बाद किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा बात किससे संबंधित है। ओके, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड यानी डीपीपी बनाम बियर्ड का मामला है जो आपको संबंधित है मत्ता से संबंधित है। ओके, तथा
रेनिगर बनाम फोगोस का वाद किससे संबंधित है? यह आवश्यकता से संबंधित है। ओके, तथा आपको आर बनाम वाकर का वाद, आर बनाम वाकर का वाद आपको संबंधित है दुर्घटना से संबंधित है। ओके, तथा एम्परर बनाम उमी का मामला यह दुष्प्रेरण से संबंधित है। जिसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाता है? वो जा रहा है 4 3 1 2। ओके, 4 3 1 2 यानी ए का हो गया 4। ओके, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 एंड डी का हो गया 2। ओके, इसके अकॉर्डिंग कौन होगा? 4 3 1 2। चलिए देखते कौन आ जाता है। इसमें आपको बता दूं तो ए का हो गया 4, ओके, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 एंड डी का हो गया 2। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है UPSC से 2005 में। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड का वाद IPC की धारा 85 में वर्णित अनैच्छिक मत्ता से संबंधित है। ओके, जबकि रेनेगर बनाम फोगोसा का वाद IPC की धारा 81 में आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। ओके, जबकि आर बनाम वाकर का वाद असंभावित दुर्घटना से संबंधित है। तथा एम्परर बनाम उमी का वाद IPC की धारा 104 में क्या है? वर्णित दुष्प्रेरण के आधार से संबंधित है। यानी जो उमी का मामला है, एम्परर बनाम उमी का मामला किससे संबंधित है? तो दुष्प्रेरण से। दुष्प्रेरण को कौन सा धारा में बताया गया? IPC की धारा 104 के अंतर्गत आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या है? सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ओके, तथा नीचे दिए गए कोड को सहायता से उत्तर को सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं क्या सूची एक है तथा सूची दो में क्या है। सूची एक में बचाव के रूप में मत्ता किससे संबंधित है? दुर्घटना का बचाव किससे संबंधित? आवश्यकता किससे संबंधित है? प्राइवेट प्रतिरक्षा या किससे संबंधित है? मैं आपको बता दूं कौन सा वाद किससे संबंधित है। ओके, तो आपको बचाव के रूप में मत्ता यह संबंधित है आपको DPP बनाम BED के मामले में बताया गया था। ओके, एंड आपको जो बताया गया था नेक्स्ट क्या है? बचाव के सॉरी दुर्घटना का बचाव। ओके, बी क्या हो गया है? बी में आपको दुर्घटना का बचाव, दुर्घटना का बचाव किससे संबंधित है? आर बनाम डेडलाइन स्टीवन से संबंधित है। ओके, जबकि क्या है आपको सॉरी दुर्घटना का जो बचाव है, दुर्घटना का बचाव आपको संबंधित है आर बनाम वाकर के वाद से संबंधित है। ओके, दुर्घटना का वाद दुर्घटना है जो से संबंधित है, दुर्घटना का बचाव आर बना वाकर से, जबकि बचाव के रूप में मत्ता आपको संबंधित है DPP बना BED के मामले से। ओके, जबकि आवश्यकता आपको संबंधित है आर बना डेडलाइन स्टीफन के बाद से। तथा आपको संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा पर कौन महत्वपूर्ण बात है? आपको है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ओके, इसका अकॉर्डिंग कौन सा हो गया? ए का सही हो गया, ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का हो गया 3। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? ए का हो गया आपको 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इसके अकॉर्डिंग से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन आपको बता दूं UPSC के 2008 के प्री में पूछा चुका है। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। सूची एक क्या है तथा सूची दो में क्या है? फिर देखते हैं सूची एक में क्या है? रेक्स बनाम ल्यूटेट क्या हत्या संबंधित है अथवा नहीं? नेक्स्ट क्या है? तैबू चोर चैतिया बनाम असम राज्य किससे संबंधित है? विजयन बनाम केरल राज्य तथा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र या किससे संबंधित हैं? तो मैं आपको बता दूं वीरेंद्र प्रसाद है। ओके, चलिए ने इसको मैं बता देता हूँ कौन सा बात किससे संबंधित है। ओके, तो रेक्स बनाम लिबेटा का बात आपको संबंधित है किससे संबंधित है? तो यह है आपको तथ्य के भूल से संबंधित है। ओके, तथा आपको तैबू चैतिया बनाम असम राज्य यह किससे संबंधित है? तो उन्मत्ता से संबंधित है। ओके, एंड विजयन बनाम केरल राज्य संबंधित है आपको आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। एंड आपको लास्ट आ गया उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद यह किससे संबंधित है? तो हत्या से संबंधित है। तो किसके कौन सा सही हो गया? मैं आपको बता दूँ ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का 2 एंड डी का 1। ओके, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है UPPCS 2008 के प्री में। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है? सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। इस क्वेश्चन में बहुत ही सूची वाला आ गया, यानी इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट MCQ बताया जा रहा है केस से संबंधित। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 54 में, न्याय कार्य करते हुए किससे संबंधित है? विधि कार्य करते हुए ये भी किससे संबंधित है? ओके तो क्या सोचिए को तो सही सुमिलित करना है, जो सही है उसी को सिलेक्ट करना है। ओके 54 के अंतर्गत ओके मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग एरर है, इसमें क्या है इसका ऑप्शन ही नहीं टाइप हुआ। चलिए इसको मैं सही से बता देता हूँ इसमें कौन कौन से सही है। तो मैं आपको बता दूँ, न्याय कार्य करते हुए ओके न्याय करते कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य आपको आ जाता है, न्याय कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य आ जाता है आपको IPC के धारा 77 में आ जाता है। न्यायाधीश को IPC की धारा 77 के अंतर्गत आ जाता है। IPC की धारा 77 में न्यायाधीश को क्या मिलता है? बचाव मिलता है। वही धारा आपको मैं बता दूं, आपको धारा 78 में किसको बचाव मिलता है? तो जल्लाद को बचाव मिलता है, जबकि धारा 77 में न्यायाधीश को बचाव मिलता है। ओके नेक्स्ट क्या है? ना आपको विधि कार्य करते हुए दुर्घटना ओके, यानी विधि कार्य करते हुए कोई दुर्घटना हुआ हो IPC की धारा 84 से संबंधित है। वही क्या है नेक्स्ट क्या है? 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, तो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य किससे संबंधित है? IPC की धारा 82 से संबंधित है। वही आपको क्या बताया? विक्षिप्त मस्तिष्क व्यक्ति वाला जिसके द्वारा किया गया कार्य हो, यह आपको किस में आ जाता है? IPC की धारा 84 में आ जाता है। ओके चलिए इसमें टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन ही नहीं टाइप हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें ऑप्शन को टाइप किया गया। चलिए देखते क्वेश्चन 55 में क्या है, निम्न को सुमेलित करना है। ओके यानी सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में क्या है, सूची दो में क्या क्या बातें बताई गई हैं, मैं आपको बता दूं। एक में है आपको धारा तथा दूसरे में क्या बताया गया है, आपको अपराध बताया गया। ओके आपराधिक षड्यंत्र, कौन सी धारा में हत्या का प्रयास या कौन सी धारा में तथा आपराधिक मानववध और उद्यापन, सभी बातें कौन कौन से धारा में बताई गई है। चलिए देख लेते हैं कौन सी बातें कौन सी धारा में बताई गई हैं। तो आपराधिक षड्यंत्र ओके आपराधिक षड्यंत्र आपको IPC की धारा 120 के सब क्लॉज यानी कॉम में बताया गया है। ओके वही हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास आपको बताया गया है अब IPC की धारा 307 में 307 में बताया गया। ओके वही आपराधिक मानववध, आपराधिक मानववध को कहाँ बताया गया? तो आपराधिक मानववध को IPC के सेक्शन 299 में बताया गया। वही उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन, अध्यापन का आपको कहाँ बताया गया है? तो IPC द्वारा 383 के अंतर्गत बताया गया है। ओके इसके अकॉर्डिंग मैं बता दूँ, ए का हो गया 3 हो गया ओके, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ओके क्वेश्चन नंबर 55 का सेंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। ओके सेंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है UPAPO के प्री में 2015 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक गलत है? ओके यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें उसको एक है जो गलत है। ओके पांडुरंग बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद सामान्य से संबंधित है, या फिर ऑप्शन बी आर बनाम मैग्नाटनवाद विकृत व्यक्ति के कार्य संबंधित है, या फिर ऑप्शन सी आर बनाम मैग्नाटन का दुराचार से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी आर बनाम विलियमसन का बात हत्या से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा है जो एक गलत है? तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPPCS के प्री में 2008 में। ओके तो कौन सा बात किससे संबंधित है? ओके एक गलत है जिसको सेलेक्ट करना है। ओके पांडुरंग बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद का बात है जो सामान्य आय से संबंधित है, सही है। ओके जबकि आर बनाम मैग्नाटन का बात चित्रकृत के कार्य से संबंधित है, यह भी सही है। ओके एंड आपको आर बनाम विलियमसन का मामला सहमति से संबंधित है। ओके जबकि इसमें लिखा गया आर बनाम मैग्नाटन का बात मैग्नाटन का बात है जो दुराज से संबंधित नहीं है, तो आर बनाम मैग्नाटन का बात किससे संबंधित है? तो चित्रकृत व्यक्ति के कार्य से संबंधित है। ओके इसमें गलत कौन था? इसमें गलत हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन UPPCS के प्री में 2008 में पूछा जा चुका है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या? क्वेश्चन 57 में क्या इसमें बताया गया, जब अपराध गठित करने वाला कोई कार्य किसी 7 वर्ष के आयु के शिशु द्वारा किया जाता है तो ऐसे शिशु समझा जाता है। ओके यानी कोई अपराध गठित किया गया ओके वह
अपराध किसके द्वारा किया गया है, तो 7 वर्ष के शिशु द्वारा किया गया है। ओके, तो ऐसे शिशु को क्या समझा जाएगा? ओके, ऑप्शन नंबर ए अपराध करने में सक्षम समझा जाएगा, ऑप्शन बी अपराध करने में अक्षम समझा जाएगा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं, तथा ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों में से कोई भी। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है UPPCS 2007 एंड यूपी लोअर के 2003 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, यानी कोई कार्य जो 7 वर्ष के शिशु द्वारा किया गया है उस स्थिति में शिशु को क्या समझा जाएगा, तो शिशु को अपराध करने में अक्षम समझा जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी अपराध करने में अक्षम, यानी अक्षम गुड़िया को बोला जाता है डोलेन कैपेक्स, यानी IPC की धारा 82 में बताया गया है कि एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, यानी कोई कार्य जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया हो यह बात अपराध नहीं है। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का व्याख्या, IPC की धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के शिशु अपराध करने में अक्षम होते हैं, जबकि धारा 83 में बताया गया 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु वाले शिशु के लिए सीमित उन्मुक्ता का प्रावधान किया गया है। 7 वर्ष के शिशु द्वारा कारित अपराध के लिए धारा में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, किंतु छोटे शिशु को कार्य की प्रवृत्ति नहीं समझने के कारण अधिक लाभ देने के लिए 7 वर्ष तक के शिशु को भी अपराध करने में अक्षम यानी डोलिन कैपेक्स माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 है। 58 में क्या गया, IPC की धारा में न समझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट निम्नलिखित किस धारा में न समझ गया, न समझ गुड़िया यानी जिसे किया बोला जाता है उसे बोला जाता है डोलिन कैपेक्स, न समझ यानी अक्षम गुड़िया, ये IPC के किस धारा में बताया गया अभी मैं आपको बताया था। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए धारा 81, ऑप्शन बी धारा 82, ऑप्शन सी धारा 84 तथा ऑप्शन डी धारा 87। क्वेश्चन आपको UP सिविल जज 2015 तथा MP सिविल जज 2011 में पूछा जा चुका है। ओके, तथा साथ ही साथ ये आपको MPAPU 1995 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कौन से धारा का दिन आ जाता है, तो धारा 82 यानी IPC धारा 82 के अंतर्गत तो डोलिन कैपेक्स अक्षम गुड़िया या न समझ गुड़िया सभी एक ही होता है, वह IPC धारा 82 के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, इसलिए बता देता हूँ। और अन्य बातें क्या है, IPC की धारा 81 में क्या है, आवश्यकता का बचाव ले सकता है, वहीं धारा 82 में क्या बताया गया है, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य धारा 82 के अंतर्गत आ जाता है, जबकि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य है, यह आपको IPC धारा 83 में आ जाता है। और यह IPC धारा 84 में क्या है, विकृचित व्यक्ति का कार्य आ जाता है आपको IPC धारा 84 में। वही धारा 87 में क्या है, 87 में बताया गया कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्य का ज्ञान हो, यह बातें आपका इसी IPC की धारा 87 में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 में बताया गया कि -वर्ष यानी -वर्षों से कम आयु के बच्चों द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं माना जाता, यानी वह कौन सी एज है जिस वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कोई अपराध किया गया तो अपराध नहीं समझा जाएगा, इसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ। ऑप्शन नंबर ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 12 तथा ऑप्शन डी, तो टाइपिंग मिस्टेक। चलिए मैं आपको बता दूँ, यानी कोई कार्य यानी कोई अपराध या कोई कार्य 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया तो वह अपराध या फिर वह कार्य अपराध नहीं माना जाता, यह बात है आपको IPC धारा 82 में बताया गया है। ओके, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 तथा राजस्थान के PO 2015 एंड उत्तराखंड PO 2010 एंड उत्तराखंड सिविल जज 2005 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ UPPCS 1998 एंड 2000 के पूछा जा चुका है। तो मैं आपको फिर से दोहरा दूँ, IPC की धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य जो आ जाता है
अपराध नहीं है। ओके, जबकि धारा 83 में क्या है, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से नीचे, तो बीच में 7 वर्ष वाले कहाँ चले जाते हैं, 7 वर्ष वाले आपको आ जाते हैं आईपीसी धारा 82 में, क्योंकि 7 वर्ष तक के बच्चे को यह माना जाता है वो कार्य करने में अक्षम है, यानी डोलिंग कैपेक्स है। ओके, 7 वर्ष के आयु आ जाते हैं बच्चे आपको आईपीसी धारा 82 में, जबकि 7 वर्ष ऊपर के आ जाते हैं 83 में, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे। चलिए इसका व्याख्या मैं देख लेता हूँ। इसके व्याख्या का दिन क्या जाता है, आईपीसी धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आपराधिक दायित्व से अनुमति प्राप्त है, जबकि धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु को अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से मुक्त प्रदान किया गया। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्या है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में बताया गया है, और जो कि हत्या के आशय से ब जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है को उकसाता है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे ज की मृत्यु हो जाए, ब उकसाने के परिणाम स्वरूप अ की अनुपस्थिति में कार्य करता है जिससे ज की मृत्यु हो जाती है, अने क्या अपराध किया है। ओके, यानी पूछा जा रहा है कि वह कौन सा अपराध का दोषी है। ऑप्शन नंबर ए, कोई अपराध नहीं क्योंकि हत्या के समय और वहाँ उपस्थित नहीं था। ऑप्शन बी, उपहति पहुँचाने का साधारण आपराधिक कार्य करता है। ऑप्शन सी, हत्या के प्रयत्न का आपराधिक कार्य किया है। ऑप्शन डी, हत्या कार्य किया। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क्या होगा, अने क्या अपराध किया गया, और हत्या कार्य की है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, और जो कि हत्या के आशय से ब को उकसाता है, जो ब को उकसाता है वह क्या है, 7 वर्ष से कम क्या है। ओके, मैं आपको बता दूं 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आईपीसी की धारा 82 के अंतर्गत क्या माना गया है, यदि उसके द्वारा कोई कार्य किया गया तो वह अपराध नहीं माना गया। तो जो यदि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा जो कार्य करवाता है अ जो कि हत्या करने के आशय से ब को उकसाया, इसके परिणाम स्वरूप ब जो 7 वर्ष से कम आयु का था उसको हत्या कर दिया। ओके, तो यहाँ पर अ है, और जो जिसने उकसाया है वही माना जाएगा कि उसी ने हत्या की है। तत्परिणाम इसका सही रिजल्ट क्या हो जाता है, यानी हत्या कौन किया है, अ किया है। भले ही ब हत्या किया हो जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है, यदि वह वयस्क होते या 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष के कम आते तो उसके बीच में कुछ समाप्त हो सकता था, परंतु 12 वर्ष से अधिक होता तो अ के साथ साथ ब भी हत्या का दोषी होता। ओके, चलिए मैं इसको बता देता हूँ, इसका आंसर है यह क्या होगा, यानी अ क्या होगा, हत्या का अपराध के कार्य करने का दोषी है। ओके, कैसे, तो चलिए व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है UPPO के 2007 के प्री में। इसमें क्या है, यदि पी ज को IPC द्वारा 82 का लाभ मिलने का कारण ज का कोई आपराधिक दायित्व नहीं है। ओके, किंतु अ के हत्या का अपराध कार्य करने हेतु दोषी है। ओके, यानी इसमें दोषी कौन रहता है, तो इसमें दोषी है अ। क्वेश्चन नंबर 60 यहीं तक रहा। तो मैं आपको बता दूं यह IPC के सेकेंड सेशन का 3rd वीडियो था। सेकेंड सेशन में आपको धारा 76 से लेकर 106 तक 150 से अधिक इंपॉर्टेंट MCQ करा जा रहा है। सेकेंड सेशन का यह 3rd वीडियो है। 3rd वीडियो में आपको धारा 81 एंड 82 का 20 इंपॉर्टेंट MCQ कराएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा बना गया वीडियो पसंद आता है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।